जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHDC 103 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, वो सारे के सारे आपके स्टडी मटेरियल, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट के साथ साथ लेटेस्ट असाइनमेंट जो है, इन तमाम चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके आप सबों के बीच लाने का प्रयास किया है। तो ये आपका जो ना पूरा का पूरा सिलेबस का जो है निचोड़ है इसमें। यदि इन सभी सवालों को कंप्लीट करते हैं तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से ज़रूर कंप्लीट करना। जैसे कि BHDC 103, ये आपके हिंदी ऑनर्स के थर्ड पेपर है। इससे पहले 101, 102, 103, 104 तक होती है। इसी तरह आपका नेक्स्ट ईयर जाओगे तो उसके आगे की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, आगे आगे की इस तरह से आपको देखने को मिलेगा हिंदी ऑनर्स पेपर में। ओके, तो इसमें जैसे कि आप सबको ये भी बता दूँ, 101 हो गया, 102 हो गया और 104, ये सब 105, 106, वो सब तो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए हैं। तो ये तीनों के तीनों भी क्वेश्चंस अपलोड है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर ये भी अपलोड कर दो। हाँ, ये सब सारे के सारे अपलोड है, ठीक है। 103 नहीं अपलोड था, आज मैं लाने का प्रयास किया। ओके, तो उसको भी आप देख सकते हो, और उस तरह से इस तरह से उन सभी सब्जेक्ट को भी आप कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, इनको जानना भी है ज़रूरी है। तो ये आपके टोटल जो है ना 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो अनिवार्य रूप से आपको बनाना ही बनाना है, उसमें आपको गद्यांश पूछे जाएंगे, ठीक है। वो आपके कविता होंगे, कविता में उसको आपको हिंदी में उसको अनुवाद करना है। मैंने इसमें गद्यांश को ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो गद्यांश फिक्स नहीं होगा। ओके, तो उसको आप खुद से थोड़ा सा देखना होगा, और मैं वो भी बता देता हूँ कि गद्यांश कहाँ से पूछे जाएंगे और कहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले आपको गद्यांश पूछे जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 गद्यांश पूछे जाएंगे, 5 में से आपको किन्हीं 3 गद्यांशों को उत्तर देने हैं अपने मन से, ठीक है। और हर गद्यांश जो है आपका 12 अंकों के होंगे, 12 मार्क्स के होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताने हैं, तो वो अनिवार्य रूप से आपको लिखना ही लिखना है। आप जो ना एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चंस आपको मिले, क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ आपको उसमें स्ट्रक्चर यानी कि नोट टाइप के दिए होते हैं कि कितने क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करने हैं, कितने नहीं करने, कौन से अनिवार्य हैं, इसको आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। चलिए अब चर्चा करते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आगामी एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला सवाल कहा जाता है, रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए बिहारी के काव्य सौंदर्य की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके 2020 में पूछे गए थे, 2020 में, और अभी 2023 चल रही है। और एक बात, आप यदि नेक्स्ट सेशन में 2024 हो, 2025 में भी आप एग्जाम देंगे ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब तक आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, विद्यापति के काव्य में भक्ति, श्रृंगार और लोक जीवन की त्रिवेणी प्रभावित होती है, इस कथन पर विचार कीजिए। ये भी विद्यापति हो गया, रीतिकाल, ये रीतिकाल से जो ना आपका 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसे रिलेट करके हो सकता है, या ये हूबहू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, तो इसको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है, मीराबाई के काव्य में उपस्थित स्त्री चेतना को चिन्हित कीजिए। मीराबाई के काव्य में उपस्थित स्त्री चेतना को मतलब चर्चा करना है, चिन्हित करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया था कि गद्यांश कहाँ से पढ़ना है, आपको गद्यांश आपका कहाँ से पढ़ना, मैं वो बता दे रहा हूँ। आप करना क्या है, जितने भी असाइनमेंट अब तक एग्जाम हुए, असाइनमेंट के एग्जाम, मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ, वो उसके गद्यांश आपको पढ़ लेना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के गद्यांश को पढ़ लेना है, ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा, आपको हिंट्स मिल जाएगा, ठीक है। इससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गद्यांश में भी। आप बोलेंगे कि सर वेबसाइट में अभी जो है ना ओल्ड पेपर के असाइनमेंट क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, ना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो कहाँ से लाऊँ मैं? आपके लिए अपना एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपके सॉल्व असाइनमेंट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, या क्लास के नोटिफिकेशन हो, डाउट क्लास हो, तमाम चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती है, अपलोडेड होती है डेली के डेली। तो आप वहाँ से परचेज कर सकते, मतलब परचेज नहीं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और अपने प्रिंट ड्राइव भी सेव कर सकते हो पूरी ईजिली तरीके से, आप सबों को पता होगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर सारे के सारे PDF अवेलेबल होते हैं, जो अभी मैं ये क्वेश्चन पेपर
आपके स्क्रीन पे दिख रहा ये सारे के सारे वहाँ पे पोस्ट हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है बिहारी के दोहे की मर्मिकता पर प्रकाश डालिए। ये बिहारी के जो है ना आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर साल देखने को मिला है, इस साल भी देखने को मिलेगा, चाहे असाइनमेंट हो या एग्जाम हो, तमाम चीज़ों में इसमें पूछा गया है, तो इसको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं स्पष्ट कीजिए, विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं स्पष्ट कीजिए, इसको भी ध्यान रखना है। और इसके बारे में मैं चर्चा कर लूँ तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से आप कलेक्ट करो, आपके पास समय कम है तो आपके लिए मैं एक और भी चीज़ें लाया हूँ आप सबों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मददगार हैं और बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। आप में से नीरज पब्लिकेशन नीरज बुक से परिचित होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं परिचित होंगे, क्योंकि आप सभी अभी नए हो, फर्स्ट ईयर में हो, नए हो, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी बता दे रहा हूँ, इग्नू में जो है एक नीरज पब्लिकेशन का बुक्स आती है जो वन ऑफ द बेस्ट होती है, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये इग्नू का जो ना बेस्ट है। मैंने कई बार इसके बारे में आप सबों को सजेस्ट किया कि इससे आप परचेज करके पढ़ाई कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी भारी मतलब ऑफर चल रही है, 50% का डिस्काउंट चल रही है। ठीक है, यदि आप 500 से ज़्यादा के परचेज करते हैं तो डायरेक्टली आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, और इसमें जो है ना आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो भी सॉल्व है, और सॉल्व असाइनमेंट हो या चैप्टर वाइज आंसर्स हो, स्टडी मटेरियल हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्टेंट रेडी किया गया है और बहुत ही सरल तरीके से जो आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, और अभी बड़ी ऑफर चल रही है 50% डिस्काउंट का, और 50% का मतलब डिस्काउंट चाहिए तो आपको जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करने के जाएंगे तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, और आपको कूपन कोड यूज करने के लिए कहा जाएगा। कूपन कोड यूज कर लेना है सिर्फ FCS2023। ठीक है, कैपिटल लेटर में रहेगा FCS2023। मैंने सब कुछ आपको लिंक हो या कूपन कोड हो तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके आसानी तरीके से इस यहाँ पर आके परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लिए 6 रसखान की इस भक्ति की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, रसखान की इस भक्ति की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने मतलब चुन चुन के लाया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है घनानंद की कविताओं में अभिव्यक्त प्रेम सौंदर्य और श्रृंगार रिद्धिकालीन भावबोध किस प्रकार भिन्न है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहा जाता है कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 तुलसीदास की भक्ति की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी कि अपने शब्दों में करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, और कहा जाता है आपको एक टिप्पणी के लिए भी कहा जाएगा, जैसे देखिए गद्यांश जो आपको 12 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस जो है वो आपको 16 अंकों के पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाएंगे, टिप्पणी के लिए कहा जाएगा, दो चार पूछे जाएंगे, चार में से आपको दो के आंसर बताने हैं, वो आपके 8 अंकों के होंगे। ठीक है, जो इस प्रकार यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कहा जाता है रहीम के काव्य में लोक जीवन के बारे में टिप्पणी के लिए कहा जाएगा, और उसके बाद बिहार के काव्य में संयोग और वियोग श्रृंगार पर टिप्पणी कीजिए, और अमीर खुसरो का काव्य सुंदर पर टिप्पणी कीजिए, और सूरदास की कविता में वात्सल्य का टिप्पणी करना है, और मैं अगले स्लाइड में भी इसको ऐड कर रखा है। ठीक है, तो उसको भी देखना बेहद जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कहा जाता है नजीर अकबराबादी के प्रकृति वर्णन की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीराबाई के काव्य में उपस्थित स्त्री चेतना को चिन्हित कीजिए। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इसको ऐड कर रखा था। ओके, उसके बाद कहा जाता है सूरदास की भक्ति भावनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहा जाता है एक कवि के रूप में घनानंद का मूल्यांकन कीजिए। एक कवि के रूप में घनानंद का मूल्यांकन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहा जाता है विद्यापति की प्रमुख रचनाओं का परीक्षण दीजिए। उसके बाद कबीर ने जीवात्म और परमात्मा के संबंध को कैसे माना है उजागर कीजिए, ये क्वेश्चन भी आई है, कबीर से आपको क्वेश्चन ये देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है जयसी के पद्मावत का परिचय दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 रहीम का जीवन विरुद्धों के सामंजस्य का उदाहरण है, चर्चा कीजिए इसके बारे में, मतलब सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 19
रहीम लोक जीवन की पारखी थे। इस कथन का समीक्षा परीक्षण कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जाएगा टिप्पणी करने के लिए, जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी दिखाया था 10 नंबर में, चार आपको इस तरह से पूछे जाएंगे। तुलसीदास का लोक मंगल, जायसी का महत्व, रस खान के प्रेम दर्शन, उसके नजीर अकबराबादी के काव्य में प्रकृति, ठीक है। ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है जो आगामी एग्जामों की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप 20 के 20 सवालों को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया आपके लिए गद्यांश कहाँ से पढ़ना है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, तो इतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। काफ़ी है, बहुत है, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कॉमेंट के माध्यम से जो भी दुविधाएँ हों, जो भी डाउट हो, उसको अपने साझा कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।